31 अगस्त को शहर की सरकार बन जाएगी, जिसके लिए 17 अगस्त को मतदान होगा। फिलहाल बात करते हैं पिछले शहर के सरकार के 5 साल के कार्यकाल की, और बात करते हैं पूर्व के 55 वार्ड्स की, जिनमें भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों का नेतृत्व कांग्रेस के मेयर कमल बाकुलिया ने किया, लेकिन इन 5 सालों में शहर के वार्ड्स में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। स्वामी न्यूज की टीम जिस भी वार्ड में बोलो वोटर बोलो का कवरेज करने पहुंची, लगभग सभी वार्डो में लोगों ने अपने पार्षद को और साथ ही निगम को कोसते हुए चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आया, जब लगभग हर वार्ड में विकास कम, दयनीय हालत ज्यादा मिली। लेने की टाइम में तो हाथ जोड़ते, फॉर्म पकड़ते, कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शरम आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो विकास नहीं करा सकते तो चुनाव में खड़े नहीं जुटता। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए। लोग आजादी के 65 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। इस बार के निकाय चुनाव में मतदाताओं ने साफ कर दिया है कि जो लिखित में वार्ड के विकास का आश्वासन देगा, वोट भी उसी को ही मिलेगा। आज बात करते हैं वार्ड नंबर 12 की, जो परिसीमन के बाद अब वार्ड नंबर 22 हो गया है। पूर्व में यह वार्ड सामान्य महिला वार्ड था, जो वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला वार्ड हो गया है। यहाँ की पार्षदा कुलविंदर कौर हैं, जिनका विवाह हो चुका है और वह अपने वार्ड को छोड़कर ससुराल जा चुकी हैं। फिलहाल उनके वार्ड का जिम्मा पूर्व पार्षद रहे कुलविंदर के भाई बलविंदर सिंह संभाल रहे हैं। बलविंदर ने बताया कि उन्होंने 5 साल में 2.25 करोड़ रुपए के विकास कार्य क्षेत्र में कराए हैं। नगर निगम की उपेक्षा में चलते स्वयं के पैसे से क्षेत्र में नाली बनवाई और नालों से कचरा उठवाया, प्रमुख कॉलोनियों के मुख्य द्वार का निर्माण कराया, जरूरतमंद लोगों की पेंशन शुरू कराई। 1.76 करोड़ रुपए के कुल कार्य कराए, उसमें से लगभग काफी मेरा निजी पैसे का कार्य इसके अतिरिक्त और कराया है। उसमें सड़कें, नालियां और मुख्य रूप से ने तीन अपने वार्ड की 3 तो पुलियाएं हैं बनाई हैं, और अलग अलग जो भी हमारे को फंड मिलता रहा उसके अलावा मैंने लगभग 1 करोड़ का पार्षद फंड के अतिरिक्त मेयर साहब से फंड लेके, जो मेयर के अधीन होता है, वो मैंने पैसा लेके उसका विकास कार्य कराया। और अपने कॉलोनी के मेरे वार्ड में लगभग जितनी कॉलोनियां थी उनके प्रवेश द्वारों पे उनके कॉलोनियों के नाम समेत डिजिटल बोर्ड लगवाए हैं, घड़ी वाले। विकास का तो अभी जितना हो जाए उतना ही अपने आप में कम लगता है। हमें तो अभी पाइपलाइनों के कारण जितनी नई पाइपलाइन डाली गई, सड़कें टूटी हैं, सीवरेज का कार्य पूरा हो जाए। अभी प्राथमिकता से अभी मुख्य रोडें जो हैं वापस ये पाइपलाइन डालने से खराब हुई हैं, इनको मेरी प्राथमिकता होगी कि सीवरेज कनेक्शन कंप्लीट हो, उसके बाद में मुख्य सड़कों को वापस पुनर्निर्माण करें हम। तीसरी बार के कार्यकाल में हमने कभी किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, मैंने घर बैठे अगले से फॉर्म लेके उनके घर पे उपलब्ध कराए। कभी इतना नहीं होने दिया कि कोई वो व्यक्ति वहाँ पर नगर निगम जाए और वहाँ से अपना मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र अपने घर का किसी का बनवाए। मैंने घर बैठे सबको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करी है। वहीं जब क्षेत्र के लोगों से पार्षद द्वारा बताई गई विकास गाथा की जानकारी ली तो मामला उल्टा ही हो गया। लोगों ने बताया कि पार्षद के भाई को तो जानते हैं, लेकिन पार्षद को कभी क्षेत्र में देखा ही नहीं। लोग अपनी समस्या लेकर जब उनके घर जाते हैं तो वो मिलती नहीं। कराने में तो पहले जो रोड बिल्कुल खराब थी, रोडों पे चलने लायक तो हुए, करा है काम, लेकिन कहीं ना कहीं किसी इंसान के सारे काम तो पूरे होते नहीं है, लेकिन कुछ जगह भी खराब है। जैसे छोटी सी एक नाली की वजह से, जो कि 10 फीट की नाली है, वो ये पब्लिक नहीं करने दे रही, और 40 फीट नाली के लिए यहाँ पे पानी छोड़ रहा, जो गली में मच्छर वगैरह सब हो रहे हैं इसी वजह से। अब वो अकेला पार्षद तो सब कुछ कर नहीं सकता, पब्लिक भी सपोर्ट करे तब काम हो। इसमें पूरे तो नहीं हुए 5 साल के, जो वादे जिस हिसाब से करते हैं वो वादे तो नहीं हुए पूरे, नहीं तो वादे पूरे होते तो पूरी स्मार्ट सिटी बनने आ रही। उससे पहले यहाँ पे जो गंदगी है उसको देख के कौन स्मार्ट सिटी कह सकता है कि इन फ्यूचर 10 साल में भी स्मार्ट सिटी बनेगी। 5 साल में जहाँ तक ये वार्ड पहले 12 था, वाइस हुआ है, उसमें मैंने तो मेरी नजर से देखा कि कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। जैसे पहले कार्यकाल में काम था, जैसे नालियां वगैरह ने, उसी से भाई बने, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। और बार बार कहना चाहते हैं कि पार्षद चुनी गई थी, वो तो शादी करने के बाद बाहर चली गई, उसका ब्रदर है वो कहें तो कहाँ कर रहे हैं, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, बाकौलिया साहब पैसे नहीं दे रहे हैं, ये कमाना करके रास्ते की पीरियड ऐसा ही निकल गया।
चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अच्छे कार्यकर्ता सक्रिय होगा कैंडिडेट उसी को जिताने की कोशिश करेंगे। मेरी तो नाली की इतनी परेशानी हो गई थी कि मेरा मकान गिरने वाला था, तब मैं गई थी पार्षद के पास। तब उसने बोला भाई 25 लाख रुपए तुम्हारे पास हुए हैं या के रोडों के लिए नालियों के लिए। उसके बाद में भी कोई जवाब नहीं मिला, फिर मैंने मेरी नाली खुद। सभी एरियो में दूसरी जगह पे काम हुआ, कहते हैं फंड नहीं आया, फंड नहीं आया इस रोड के लिए, अभी फंड नहीं है। जो फंड आता है वो सारा फंड इधर उधर पता नहीं किधर खर्च होता है। हमारे इस गली के अंदर इस वाला ये मीणा कॉलोनी और ये जो गली नंबर 13 है 33 नंबर गली के अंदर, अभी तक आपके सामने ये सड़कों का हाल देखो, खड्डे देखिए आप कैसे खड्डे हो रहे हैं। रात को आने वाले बुजुर्गों को परेशानी होती है, बच्चे गिर जाते हैं साइकिलों के ऊपर से। हमारे यहाँ के पार्षद बलविंदर जी हैं, वैसे तो उन्होंने पिछले 5 सालों में काफ़ी काम करा, लेकिन इस एरिया के लिए जब भी उनके पास में जाते हैं वो ये कहते हैं कि इस एरिया में बजट नहीं है। अभी बजट पास हुआ है तो आचार संहिता के चलते वो वर्क ऑर्डर पास नहीं हो पाया, और कहते हैं कि अब अगले चुनावों की घोषणा के बाद में फिर हम इस काम को करवाएंगे। अब आप देखिए कि एक लेडीज जो सामने रहती हैं आंटी जी, ये गिर के इनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, पिछले 2 महीनों से बेड से उतर के अब नीचे आई हैं, और स्ट्रीट लाइटें बंद होने की वजह से शाम को लेडीज वगैरह बच्चे वगैरह यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। कुछ भी नहीं कराए भाई हमारे यहाँ तो फाड़ सकते, और ये ना कादा कीचड़ इतना होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। कितने बार ये थक गए यहाँ से बोल बोल के, रोजाना बोलते हैं हाँ करा देंगे, बस ऐसे बोल के चले जाते। सर ये रोड बनवाने की बोला था, ये रोड बनेगा पूरा, इधर नाली भी बनेगी, इधर देख लिया आप नाली भी नहीं साइड में कहीं पे भी, और जो भी पानी आता है या कंजरों का भी आता है सीधा रोड पे आता है। और ये बोला था हमने कि ये रोड पूरा यहाँ तक करवा दो कवर, तो उन्होंने बोला कि वो मशीन नहीं आ रही है, ये खंबे की वजह से मशीन नहीं आ रही है। और जब भी बोलते हैं डेली आते हैं वो यहाँ पे पार्षद, डेली बोलते हैं बोले कि नहीं ये रोड बनवाओ सर बनवाओ, बोले हाँ कल करूंगा, ऐसे टालते। बलविंदर पार्षद जी, ये देखो नाला बढ़ जाता है यहाँ पे, मेरी दुकान चलाना है ना परेशान, बहुत परेशानी हो जाती है मेरे को दुकान चलाने में, ग्राहक नहीं आते नाले की वजह से। और ये बलविंदर ने पार्षद वो आके देखते भी नहीं यहाँ पे, कितनी बार बोल दिया नाला ठीक कराओ, बड़ा करवा दो इसको या तो नाले को। और रोड भी देखो कैसा हो रहा है, वहां तक तो बना दिया रोड, और यहाँ पे कहते कि आधा वो उसका टोनी का है आधा और आधा बलविंदर का है, तो ये रोड भी नहीं बनता हमारे यहाँ का, गंदगी बहुत रहती है यहाँ पे, और पार्षद आके भी नहीं देखते यहाँ पे। रोड बनना चाहिए और ये नाली चौड़ी होनी चाहिए और ऊंची होनी, और गंदगी होती है हमारे पास, और कुछ नहीं हमारे तो ये हमारे। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पार्षद के भाई ने क्षेत्र में काम तो कराया लेकिन भेदभावपूर्ण तरीके से, घर के आसपास और अपने वोट बैंक वाले क्षेत्र में तो सड़कें और नालियां बनवा दी लेकिन बाकी क्षेत्र की उपेक्षा कर दी। वार्ड में जगह जगह नालियां और सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह कचरे के ढेर निगम की पोल खोल रहे हैं, हकीकत में 5 साल के दौरान किसी भी नाले की सफाई नहीं हुई है। ब्यावर रोड सहित वार्ड के अनेक हिस्सों में अवैध निर्माणों की बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं कि पार्षद को इसकी जानकारी ना हो, पार्षद की छत्र छाया में ही धड़ल्ले से अवैध निर्माण हुए जा रहे हैं। जो रोड है वो मतलब थोड़ी कच्ची है, तो क्या बारिश के टाइम पर नालियाँ भी है तो बनी हुई तो है लेकिन इतनी पक्की नहीं बनी हुई, तो उससे क्या है ना कि जैसे बारिश का पानी है तो नालियाँ भर जाती है तो घर के अंदर भी आता है बहुत। ही जो है ये काफी चौक हो गया था, उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे गंदा पानी रोड पे भी चलता है तो भी मतलब घर के आगे गंदगी रहती है 24 घंटा। तो क्या रहता है कोई बीमारियों की भी आने की रहती है? वो तो है ही, अब डेंगू का चल रहा है तो मच्छर तो आते ही है, मेन रोड पे नाली है, अंदर रूम में पास में ही रूम है सबके, तो मच्छर भी आते हैं अंदर ना, तो ये सफाई होती है कभी नहीं होती है, ये देख लो सामने। और दूसरी बात देख लो पार्षद का काम भी देख लो, अब तो इतनी गंदगी हो रही है कि कभी सफाई होती ही नहीं है। अभी पार्षद ने काम करवाया ये, लेकिन ये देख लो सारा गया, ये तो अभी एक बरसात में गया। क्या क्या तकलीफ है आपको? हमारे यहाँ कीचड़ बहुत होता है, नालियाँ भरी हुई रहती है और रोड पे झाड़ू नहीं लगती। समस्या सारी है कि हमारे गाँव की गली में बिल्कुल कवादा कचड़ रहते हैं और बिल्कुल निकलने का वो भी नहीं होता कहेंगे, और नाले बिल्कुल साफ हम खुद करना पड़ता है, हमारे को छोटे छोटे बच्चे हैं किचन गार्डन में रहते बीमार हो जाते हैं, मच्छर भी होते हैं हमारे किचन भी पास में है। 5 सालों में क्या विकास? कुछ भी नहीं करा उसने कहेंगे। समस्या तो ये है कि यहाँ ये कचरा नालियाँ साफ नहीं होती है, कचरा उठाने रानी उठाती नहीं है, वो कहती है मैं इतना कचरा कैसे कहाँ पे लेके जाऊंगी, और परिषद की कोई गाड़ी वगैरह कोई आती नहीं है जो कि कचरा लेके जाए, लोग बाग सुबह अंधेरे कचरा डाल के चले जाते हैं, इधर खाली प्लॉट है इनमें कचरा डाल के जाते हैं। हमारा तो पार्षद ऐसा हो कि जो कि है ना काम करा सके, विकास कार्य कराए, भी सड़कों को अच्छे कराए, साफ सफाई कराए। क्या कराए देखो, हमारे इधर तो इतना हो रहा है गंदगी, क्या कराएंगे, आते हैं और वोटों के लिए के चले जाते हैं, और क्या विकास तो छोटा मोटा करते हैं, जैसे नालियां ठीक करा दी है, ये बाहर थोड़ा सा कर,
छोटा मोटा कार्य तो सभी करते हैं, छोटा मोटा कार्य करने से कोई भी महान नहीं बनता है। ये सारी गंदगी है जो हमारे घर में 2400 घंटे आती रहती है, और धूल उड़ती है तो ये गंदगी आती है। रात दिन ये लोग कचरे डाल के चले जाते हैं, यहाँ पे अंधेरा होता है कचरा डाल के चले जाते हैं और फिर उसके बाद भी कुछ करते नहीं है, सफाई के लिए बहुत परेशान है। ये 5 साल में तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कोई भी यहाँ पर आए नहीं है, और आए हैं तो भी बस सिर्फ खाली नाली में थोड़ी ये साफ सफाई कराई। आपके सामने देख रहे हो आप, ये प्लॉट है कम से कम 20 सालों से खाली पड़ा हुआ है, फिर भी पार्षद मुदा आते हैं, बस एक बार ये नालियाँ बना दी, इसके अलावा और कोई सुधार नहीं। पिछले 10 सालों में, मैं 10 सालों के जब से नगर निगम बना है, पिछले पहले नगर परिषद भी थे, गहलोत साहब भी थे, तब भी कोई साफ सफाई नहीं थी। हमारे पार्षद तो कुलविंदर कोहलर, उनका रिपोर्ट कार्ड अभी तो मेरी दृष्टि में तो 0% है। सफाई की बहुत गड़बड़ है, सफाई बराबर नहीं होती, और सफाई यदि आती है उससे पूछते हैं तो कहती है 50 रुपये दो, 100 रुपये दो तो करूँगी, लेकिन प्रॉपर करती नहीं है। और मेरी वाइफ ने एक दिन मना कर दिया तो वो झाड़ू लगाने आती। बाकी जब से आया हूँ तब से थोड़ा सफाई व्यवस्था वगैरह कुछ ठीक है, और भाई बस अभी रोड जैसे बनवाया है और अनेक काम करवाए हैं थोड़े बहुत, उससे आपसे संतुष्ट हैं। तोड़ के ऊपर से और इसमें भर्ती हो गई है, अब इसके बाद ये स्थिति है कि बारिश में पानी आता है सारा घरों में भर रहा है, बारिश में पानी रोज का रोज भर जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। पार्षद को हम कम से कम 50 बार कह चुके, वो कहता है कि ठेकेदार नहीं आ रहा, ठेकेदार के मैं क्या करूं, ठेकेदार आता है एक दिन एक ट्रॉली डाल जाता है, फिर उसके बाद 15 दिन तक उसका फिर कोई पता नहीं रहता है। अब स्थिति ये हो गई है कि सड़क की ये हालत है कि मतलब पैदल आदमी चले क्या, गाड़ी तो हम निकाल ही नहीं सकते, हमारी सबकी गाड़ियां बाहर दूसरों के घरों में 2-2 महीने से बाहर पड़ी हुई हैं। अब हमें भी वहां जाते हैं, रोज शर्म आती है, वो कहते हैं क्या तुम्हारी रोड अभी ठीक नहीं रही है, क्या तुम लोग इतने गए गुजरे हो गए कि तुम कुछ नहीं कह पाते हो। कुछ नहीं कराया, पहली बार ये सड़क बनवाई थी, जो भी है ना खुदवा के तो डाल दी, अभी तक बनवाने का नाम नहीं है, पता नहीं पार्षद नहीं बनवा रहा या ठेकेदार नहीं बना रहा, पता ही नहीं। क्या लगता है छोटे बच्चे भी जाते हैं गिरने का डर? छोटे बच्चे कई बार गिर चुके हैं कि बड़े जने ही गिर चुके, कई बार बच्चे बड़े सारे ही गिर रहे हैं, मतलब जो आता है जो इस सड़क पे से वापस लौट के गिरे बिना जाता ही नहीं। कुछ भी काम नहीं किया, पहला काम किया कि खोद के रख दिया रास्ता, बस वही बनाया नहीं, आज 2-2.5 महीने हो गए, पहला काम ही करा है खोदने का, बस वो भी खोद के छोड़ दिया। एक एक बार सब गिर चुके हैं, कोई बाकी नहीं बचा है गिरने से। तकलीफ तो इतनी है कि कुछ बता ही नहीं सकते, सिलेंडर भी दूसरे तीसरे घरों में से 4-4 जने डोलियां में से ले लेके आते हैं, बड़ी मुश्किल। यहाँ के पार्षद महोदय ने वैसे काम तो कराया है, किंतु ये वार्ड और ये हमारे गली, कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों के बीच में फंस गई है। मैडम बदल मैडम ने यह कहा था कि इस गली को मैं काम कराऊंगी, किंतु लगभग 3-4 महीने हो गए उन्होंने कहा था, उसके बाद अभी तक काम हुआ नहीं। फिर यहाँ के पार्षद ने काम चालू कराया था, किंतु जो सुनने में आ रहा है बीजेपी का जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनके पीए साहब और यहाँ का ठेकेदार दोनों पार्टनर हैं, इस कारण क्योंकि ये काम जो रोड का काम चालू कराया था पार्षद ने चालू कराया था तो, और बीजेपी के नेताओं उन्होंने ये वो नहीं चाहते कि ये काम हो। वोट लेने की टाइम में तो हाथ जोड़ते फॉर्म पकड़ते कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शरम आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है, कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनसे पूछना चाहूंगा अगर वो विकास नहीं करा सकते तो चुनाव में खड़े नहीं जीतता। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में, अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए।